हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग भूगोल से घटना चक्र का भूगोल कर रहे हैं और भूगोल का बहुत सारा लगभग इंडियन ज्योग्राफी का बहुत सारा पार्ट हो चुका है। मात्र अब लगभग 2-3 क्लास ही बचा हुआ था। हम सब लोग इससे पहले जो पढ़ चुके हैं ताप ऊर्जा सब पढ़ चुके हैं, जल विद्युत परियोजना पढ़ लिए हैं। आज जो होगा एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग होगा और भारत के अनुसंधान केंद्र होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन भारत के अनुसंधान केंद्र से रहता ही रहता है। तो चलिए हम सब लोग पहले स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग। देखिए, भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत वर्ष 1937 में एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जे के नगर के गठन के साथ हुआ। बताइए, भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई है? 1937। एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में जे के नगर के गठन के साथ हुआ। जे के नगर कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1942 में एल्युमिना और 1944 में एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया। 1944 में 1942 में एल्युमिना और 1944 में एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्युमिनियम संयंत्रों का स्थापना। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना हीराकुंड और रेणुकूट में की गई। बताइए, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 एल्युमिनियम संयंत्रों का स्थापना हुई कहाँ कहाँ? हीराकुंड और रेणुकूट में की गई थी। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। हिंडाल्को किसकी कंपनी है? हिंडाल्को का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HINDALCO, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को, ठीक है। हाँ, किसकी कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो एल्युमिनियम और कॉपर को उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हिंडाल्को का स्थापना 1958। और एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1937 में। हाँ, और हिंडाल्को का स्थापना 1958 में की गई थी। इस कंपनी का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थापित किया गया था। मई 2007 में हिंडाल्को द्वारा नारवेलिस का अधिग्रहण कर लिया गया। 2007 में हिंडाल्को द्वारा नारवेलिस का अधिग्रहण कर लिया गया। नारवेलिस का क्या हुआ? अधिग्रहण हो गया। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना कब हुआ? 1965 में कोरबा में की गई थी। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना कब हुआ? कहाँ हुआ? कोरबा। 1965 कोरबा हुआ, ठीक ना। इसको बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक गंधमर्दन से बिजली की आपूर्ति कोरबा तथा शक्ति गृह से होती है। मतलब कि इसको जो ना ये कोरबा को कोरबा जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होती है? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से, और गंधमर्दन से बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से होता है, ठीक ना। वर्तमान में कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी। बाल्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी। पूछेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी कौन है? बाल्को प्रथम एल्युमिनियम कंपनी उत्पादक कौन है? बाल्को। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1938 में की गई थी। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1938 में की गई थी। वर्ष 1944 में इनका नाम बदलकर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है। वर्ष 2005 में INDAL का विलयन हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया। मतलब वर्ष 2005 में इंडियन लिमिटेड कंपनी का विलयन किसके द्वारा कर लिया गया? हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया। इसकी 2 एल्युमिनियम इकाई, पहली हीराकुंड उड़ीसा और दूसरा अलूपुरम केरल में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना वर्ष 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमनजोरी में की गई। इसका बॉक्साइट से एल्युमिना का निष्कर्षण केंद्र झारखंड के मुड़ी में स्थित है। मुड़ी वर्क्स भारत का प्रथम एल्युमिना रिफाइनरी है। मुड़ी वर्क्स क्या है? रिफाइनरी है। भारत का प्रथम एल्युमिना रिफाइनरी कौन है? मुड़ी वर्क्स हिंडाल्को का है। मुड़ी वर्क्स हिंडाल्को, मतलब ये भारत का प्रथम एल्युमिना रिफाइनरी कौन है? मुड़ी वर्क्स, जिसे जो है 1948 में कमीशन किया गया था।
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की भुवनेश्वर में स्थित इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम कंपनी है। बताइए भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम कंपनी कौन है? भुवनेश्वर में स्थित है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि भारत में सबसे बड़ी कंपनी है, एल्युमिनियम की कंपनी है। खनन मंत्रालय के तहत नालको सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 1967 की। कब हुआ था? 9 नवंबर 1967 को की गई थी। इसे भारत का एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। भारत का एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादन कंपनी कौन है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1967 में 9 नवंबर को। भारत का एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी कौन है? ये तांबा जो है महाराष्ट्र है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक कंपनी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खान एवं प्लांट 5 इकाइयों के रूप में जो एक एक करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खान एक प्लांट 5 इकाइयों के रूप में है। मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खान एवं प्लांट 5 इकाइयों के रूप में, और वो कहाँ कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात। बताइए कहाँ कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, अब बताइए खेत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? खेत्री नगर राजस्थान। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? घाटशिला झारखंड में। और मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ है? मलाजखंड मध्य प्रदेश में। और तालोजा कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ है? तालोजा महाराष्ट्र में है। और गुजरात कॉपर कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ है? झगड़िया गुजरात में। तो देखिए खेत्री कहाँ है? राजस्थान में। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ? झारखंड में। मलाजखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तलोजा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ है? गुजरात में। देखिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, बताइए क्या महत्व है छत्तीसगढ़ में कोरबा का? एल्युमिनियम उद्योग का कारण है कोरबा। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? टिस्को, मतलब टेल्को, बालको, नालको, हिंडालको, बताइए। टेल्को नहीं बनाती है। ऑटोमोबाइल का एवं अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। टेल्को क्या करता है? टाटा मोटर्स लिमिटेड में ये, और ये ऑटोमोबाइल्स और अन्य वाणिज्यिक वाहन बनाता है टेल्को। और बालको, नालको और हिंडालको ये सब क्या एल्युमिनियम बनाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बालको रायपुर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बालको रायपुर, हिंडालको पिपरी, नालको भुवनेश्वर, एचसीएल खेतरी, बताइए कौन सा ही नहीं है? बालको रायपुर में नहीं है। ठीक ना, यही गलत है। बालको कहाँ? रायपुर में नहीं है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बताइए एल्युमिनियम कंपनी है और एक अवस्थित है, बताइए बालको कहाँ है? बालको छत्तीसगढ़ नहीं है, ऑप्शन हो गया इसका, कोरबा। हिंडालको कहाँ? हिंडालको हो गया आपको यहाँ पे रेनूकूट में, और इंडियन एल्युमिनियम हीराकूट में, और नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट में। ठीक ना, बताइए एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य अलूपुरम कहाँ है? बताइए तो केरल में। और अंगूल कहाँ है? अंगूल एल्युमिनियम संयंत्र है जो कि उड़ीसा राज्य में, और बेलगाम एल्युमिनियम संयंत्र है जो कि कर्नाटक राज्य में, और कोरबा छत्तीसगढ़ में। बताइए निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन दे रहे हैं तारापुर, टीटीगढ़, रांची, खेतरी में। अब विविध उद्योग पढ़ते हैं, ठीक ना, इसमें बहुत सारा उद्योग होगा, विविध उद्योग। अरे सीमेंट उद्योग भारत के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। सीमेंट का उद्योग क्या है? भारत का सर्वाधिक उद्योगों में से एक है सीमेंट उद्योग, ठीक ना।
भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में वर्ष 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। बताइए भारत में सीमेंट बनाने का प्रयास कब किया गया? 1904 में किया गया। कब किया गया? 1904 में किया गया। क्या हुआ? 1904 क्या किया गया 1904 में? 1904 में जो है चेन्नई में जो है प्रयोग किया गया समुद्री सीपियों का उपयोग करके बनाया गया। क्या? सीमेंट का पानी का खाना। पहली बार समुद्र सीपियों का उपयोग करके चेन्नई में 1904 में सीमेंट बनाने का काम किया गया था। वर्ष 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई। हाँ, सीमेंट उद्योग भार हवास वाला उद्योग है जो मुख्यतः किस पर निर्भर रहता है? चूना पत्थर पर निर्भर रहता है। मुख्यतः किस पर रहता है? चूना पत्थर पर। अतः यह उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्र में अधिकांश विकसित हुआ है। सीमेंट उद्योग में अन्य कच्चे माल के रूप में क्या क्या होता है? कोयला होता है, जिप्सम होता है। बताइए कच्चे माल के रूप में क्या क्या प्रयोग होता है? कोयला और जिप्सम का। कोयला और जिप्सम सीमेंट के उद्योग में कच्चे माल के रूप में कोयला और जिप्सम। भारत में विंध्य शैलों में सीमेंट निर्माण योग्य चूना पत्थर उपलब्ध है। भारत में सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले जैसे सतना, कटनी, कोमेरो, नीमच, मेहर, जबलपुर, रतलमाल। मध्य प्रदेश में जो है बहुत जगह पर चूना मतलब कि ये सीमेंट उद्योग है, जैसे सतना हो गया, कटनी हो गया, कैमोर हो गया, नीचम हो गया, मेहर हो गया, ये सब मध्य प्रदेश में जगह हुआ। रतलाम हो गया, ये सब क्या है? जगह है मध्य प्रदेश का जहाँ की सीमेंट उद्योग है। जी सर, कुछ आप सोच रहे हैं क्या? बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बताइए तो डालमिया नगर है क्या बिहार में? इसके अतिरिक्त यह चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त जो है ना यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। यह नगर बिहार राज्य के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे स्थित है। समझे, रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे डालमिया नगर है जहाँ की सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है चीनी, कागज के और केमिकल के लिए भी यह उद्योग यहाँ स्थापित किया गया डालमिया नगर में। और डालमिया नगर कहाँ है? बिहार में कहाँ में? रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे। डालमिया उद्योग नगर का स्थापना रामकृष्ण डालमिया ने की थी। सीमेंट उद्योग का विकास आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विजयनगर एवं विशाखापट्टनम जिलों में किया गया है। विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा? मतलब सीमेंट उद्योग का विकास जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में और विजयनगर एवं विशाखापट्टनम जिलों में किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर, सिरोही, लखेरी, सीकर आदि जिले में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चुना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुनार जगह का नाम है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आपको नींद आ रहा है? नहीं सर। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी, चुर्क एवं डाला स्थित है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद कमा है। सबसे ज्यादा सीमेंट किसका उत्पादन है? चाइना का। उसके बाद भारत का है, ठीक ना? दूसरा स्थान भारत का है। हाँ, पहला स्थान चीन का है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सीमेंट का भारत का उत्पादन 340 मिलियन टन रहा है। विश्व के तीन अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्य बताइए। चीन, भारत, वियतनाम। चीन, भारत, वियतनाम। ये सीमेंट उत्पादक में तीन पूछ देगा कनम्बर तरीके से। चीन, भारत, वियतनाम। बताइए भारत में 1818 में कलकत्ता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया। अब सूती वस्त्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना? भारत में 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना हुआ। सीमेंट हो गया, अब सूती के बारे में पढ़ते हैं। कलकत्ता के सूती वस्त्र कारखाना, कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र के लिए कारखाना खोला गया, परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा था। ठीक है ना? सफल नहीं रहा। हाँ, 1854 इसमें मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना कवास जी नाना भाई डाबर द्वारा की गई थी। 1854 में सफल मतलब पूछेगा कि सफल सूती वस्त्र का उद्योग सबसे पहले मतलब कहाँ किया गया? लेकिन सूती वस्त्र सबसे पहले कहाँ खोलने का प्रयास हुआ? ये सबसे पहले यहाँ पे 1818 में कोलकाता में, ठीक ना? सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल के भार हासी न होने के कारण यह उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है, ठीक ना?
प्रमुख क्या सूती वस्त्र कौन कौन है? बम्बई, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर और कोयम्बटूर, ठीक ना? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर और कोयम्बटूर। तमिलनाडु भारत के कारखाना निर्मित सूती का अग्रणी उत्पादक है। इसका प्रमुख कारण कताई मिलों की संख्या का अधिक होना, कुल श्रमिक की प्रचुर मात्रा, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुर तथा मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित चंदेरी पारंपरिक सूती वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। बताइए, तमिलनाडु में जो स्थित है कांचीपुर तथा मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में जो स्थित है चंदेरी, वो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए क्या विख्यात है? कौन कौन बताइए? तमिलनाडु में कांचीपुर और मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में चंदेरी, जो कि सूती वस्त्र के लिए क्या है? उत्पादक करने में पूरा विख्यात है। ठीक है, पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, पंजाब राज्य में लुधियाना भोजरी के लिए पंजाब राज्य में लुधियाना लुधियाना पंजाब में भोजरी के लिए प्रसिद्ध भोजरी के लिए प्रसिद्ध है। क्या बोले? भोजरी है ना, बोले जी होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध। होजरी उद्योग, भोजरी, होजरी, होजरी, अच्छा सुनने का, होजियारी सीधे नहीं, होजियारी कैसे, होजरी होता है, होजरी होता है, पंजाब राज्य में लुधियाना है ना, होजरी नगर, होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीधा थोड़ा सा दिमाग यहाँ खोल कर रखिए, आपका बहुत मतलब सुस्त हो रहा है। होजरी के लिए प्रसिद्ध, हाँ, इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। किसको पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? लुधियाना को, लुधियाना को, पंजाब का औद्योगिक राजधानी लुधियाना को कहा जाता है। पंजाब की कौन राजधानी? औद्योगिक राजधानी किसको कहा जाता है? लुधियाना को। यह होजरी बुने हुए कपड़ों और विभिन्न रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानी पेट तमिलनाडु में लगाया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कब हुआ था? 1906 में रानी पेट तमिलनाडु में लगाया गया। हाँ, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1951 में बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था, जो कि अब वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? बिहार में सिंदरी में स्थापित किया गया था, लेकिन अभी झारखंड में चला गया है। बताइए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र कब लगा था? 1951 सिंदरी में लगाया गया था, बिहार के सिंदरी में लगाया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी झारखंड में सिंदरी चला गया। इसके बाद नांगल, मतलब नांगल पंजाब में उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ था। फूलपुर, फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। फूलपुर में भारत का सहकारिता क्षेत्र के सबसे बड़े उर्वरक कारखाना स्थित है। हाँ, स्थित है। 3 नवंबर 1967 को स्थापित इफ्को की फूलपुर इकाई की शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में किया गया है। मतलब इफ्को का जो है ना, सबसे पहले कब इसका मतलब शिलान्यास हुआ था? 1974 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मतलब 3 नवंबर 1967 को स्थापित इफ्को, और लेकिन फूलपुर इकाई का शिलान्यास कब हुआ था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में किया गया था, लेकिन इफ्को का स्थापना हो गया था 1967 में हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से उसका अथी कौन किया, मतलब फूलपुर इकाई जो ना, फूलपुर इकाई का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में किया गया था। ठीक है, फूलपुर यूनिट में 2 अत्यधिक अमोनियम और यूरिया निर्माण परिसर शामिल है, जो क्रमशः वर्ष 1981 और 1997 में प्रारंभ हुआ। फूलपुर यूनिट में, फूलपुर यूनिट में जो है ना, 2 अत्याधुनिक अमोनियम और यूरिया निर्माण परिसर शामिल है। अमोनियम और यूरिया निर्माण जो है, 2 यूनिट वहाँ मौजूद है, जो कि 1981 और 1977 में प्रारंभ हो गया, 1997 में प्रारंभ हो गया। नहीं, मतलब बोला जाता है 1981 और 1997 में प्रारंभ हुआ। इफ्को की अन्य इकाइयों का कलोल, इफ्को की जो अन्य इकाइयों, देखिए कलोल जो कि गुजरात में, कांडला गुजरात में, आमला उत्तर प्रदेश में, और पारादीप उड़ीसा में। इफ्को की और इकाइयां कहाँ कहाँ है? देखिए हम बताते हैं, कलोल हो गया गुजरात में, कांडला हो गया गुजरात में, आमला उत्तर प्रदेश में, और पारादीप हो गया उड़ीसा में, और इफ्को की ये इकाइयां, ठीक ना?
भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना कहाँ है? पेट्रोल रसायन कारखाना गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल कारखाना कहाँ है? जामनगर गुजरात, जामनगर में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हल्दिया पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पेट्रोल रसायन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है हल्दिया हल्दिया इसके अतिरिक्त हल्दिया जो है पेट्रोल रसायन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में पेट्रोल रसायन का प्रमुख केंद्र जवाहर नगर वडोदरा में है, ठीक है। गुजरात में जो है ना पेट्रोल रसायन का प्रमुख केंद्र जो है गुजरात में जो है कहाँ है? वडोदरा में। भारत में कुल हस्तशिल्प मतलब हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग की संख्या 1.87 मिलियन है लगभग। भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत वर्ष 1958 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। 1958 में क्या हुआ? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्थापना हुई। यह कहाँ हुआ? रांची में। रांची में हुआ, 1958 में स्थापना हुई थी। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 रांची में, ठीक ना। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? वाराणसी में। क्या है वाराणसी? हाँ, इसकी स्थापना 1961 में भारत रेलवे द्वारा की गई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क की स्थापना किसके द्वारा? 1961 में भारत रेलवे द्वारा की गई थी। इसमें रेल इंजन, रेल डीजल इंजन और उनके अन्य कल पुर्जों का निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का स्थापना कब हुआ था? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक ना। इसका कॉरपोरेट मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जबकि विनिर्माण इकाइयां बेंगलुरु के अतिरिक्त नैनी, रायबरेली, मनकपुरा उत्तर प्रदेश, मनकापुर उत्तर प्रदेश, पलक्कड़ और श्रीनगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वर्ष 1954 में बेंगलुरु में निगमित की गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वर्ष 1954 में बेंगलुरु में निगमित की गई है, ठीक ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिर्माण इकाइयां पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, तलोजा एवं पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद एवं मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक तथा चेन्नई में स्थापित है। बताइए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का विनिर्माण इकाइयां कहाँ कहाँ है? पंचकुला हरियाणा में है, कोटद्वार उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और तलोजा और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक ना। और हैदराबाद और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, बेंगलुरु कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में। स्काई बासा मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा वर्ष 2004 में गोवा के मंडगांव स्टेशन पर भारतीय स्काई बस के संस्थापक एवं जनक बी राजा राम के परीक्षण में किया गया था। स्काई बस मेट्रो रेलवे रेल परीक्षण का यात्रा कब हुआ था? 2004 में गोवा के मंडगांव स्टेशन पर हुआ था, ठीक ना। भारत में जलयान का कारखाना 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित हुआ। बताइए भारत में जलयान का कारखाना 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित हुआ। भारत में जलयान का कारखाना कहाँ स्थापित? 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। 1941 में विशाखापट्टनम के अलावा, अच्छा विशाखापट्टनम ये जो है, ठीक है, विशाखापट्टनम के अलावा और इसका कहाँ कहाँ हुआ? 1952 में सरकार ने अधिग्रहण कर कोलकाता गोवा था कोचिन के भारत के प्रमुख जलयान निर्माण हुआ। विशाखापट्टनम के अलावा है ना, कोलकाता गोवा मुंबई तथा कोचिन भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। 1941 में जिसका विशाखापट्टनम में किसका किया गया था? जलयान कारखाना। और 1952 में सरकार ने अधिग्रहित करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रख दिया। 1952 में क्या उसका नाम रख दिया? 1941 में जलयान का नाम जलयान कारखाना को हुआ, लेकिन 1952 में इसको क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। भारत के सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े वाहनों का निर्माण होता है यहाँ, ठीक ना। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हिंदुस्तान मोटर जो कि कोलकाता में है इसका इकाई है, और प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो कि मुंबई में है, अशोक लीलैंड कहाँ है? चेन्नई में। एक अशोक लीलैंड का गाड़ी बनता है ना, मतलब 10 चक्का 20 चक्का अशोक लीलैंड चेन्नई में। हाँ, चेन्नई में। टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, अशोक लीलैंड भारत की है, जमशेदपुर। महिंद्रा एवं महिंद्रा पुणे में, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम में तथा सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलोर में।
एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत हरियाणा में। एटलस साइकिल जो देखे ना वो कहाँ है? सोनीपत है। एटलस कंपनी के साथ? हाँ, वो हरियाणा में। ऊपर लिखा रहता है हैंडल पे एटलस। एटलस साइकिल कंपनी, एटलस नहीं देखे? हाँ, देखे हैं सर। उसी प्रकार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में तथा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थित है। बताइए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। भारत के मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। शिवकाशी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि कहाँ है? मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु में, औद्योगिक प्रदेश में। यह जो शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र है, यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में अवस्थित है। यह आतिशबाजी उद्योग, माचिस उद्योग, प्रिंटर उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में जो अवस्थित है ना, यह आतिशबाजी के लिए, जैसे कि किसके लिए? आतिशबाजी, जैसे कि माचिस उद्योग के लिए, प्रिंटिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिटिल जापान उपनाम दिया है। पंडित जवाहरलाल ने लिटिल जापान किसको दिया है नाम? इसी का आतिशबाजी का है, जो आतिशबाजी था, माचिस, प्रिंटिंग, माचिस उद्योग को दिया। शिवकाशी में जो एक उद्योग है ना, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में जो शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, यह क्या है जो कि मतलब कि यह बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में अवस्थित है, इसी को जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने लिटिल जापान का उपनाम दिया था। पीथमपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ देश एवं विदेश के कई छोटे एवं बड़े उद्योग स्थापित है पीथमपुर में। यहाँ कुछ क्या बोले, मध्य प्रदेश में यहाँ कुछ प्रमुख वाहन उत्पादन कंपनियां भी है तथा इस देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। देश का ऑटोमोबाइल हब के रूप में पीथमपुर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में पीथमपुर है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए जाना जाता है। देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स बेंगलुरु स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1953 में स्विस सरकार के सहयोग से की गई थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना 1953 में स्विस सरकार के क्षेत्र का एक उपक्रम स्विस सरकार के सहयोग से किया गया था 1953 में। इनमें कुल 9 संयंत्र है जिसमें से प्रमुख संयंत्र पिंजौर में स्थित है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्ष 1961 में निगमित कंपनी बनी। बताइए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्ष कब निगमित कंपनी बनी? 1961 में बनी, ठीक ना, कंपनी बनी और 1978 में इसका पुनर्गठन हुआ। इसकी चार उर्वरक उत्पादन इकाइयों इस प्रकार, जैसे सिंदरी झारखंड में, रामागुंडम तेलंगाना में, तलचर उड़ीसा में और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का बरौनी संयंत्र है बिहार में, ठीक ना। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2003 में सभी इकाइयों को बंद करने का आदेश दिए थे। वर्तमान में भारत सरकार इन पांचों संयंत्रों का पुनरुद्धार कर रही है। इन पांचों संयंत्रों का क्या कर रहा है? पुनरुद्धार कर रही है, पुनरुद्धार कर रही है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड भारत सरकार द्वारा निर्मित कंपनी है। पेट्रोनेट क्या है? एलएनजी लिमिटेड भारत सरकार द्वारा निर्मित कंपनी। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य एलएनजी आयात और देश में एलएनजी टर्मिनल का स्थापना करना है। यह संयुक्त उद्यम उपक्रम के रूप में गेल, ONGC, OIC, BPCL द्वारा पोषित की जा रही है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड अभी तक दाहेज में 17.7 MMTPA क्षमता एवं कोची केरल में 5 MMPTA क्षमता का टर्मिनल लगा चुकी है। तीसरा एलएनजी टर्मिनल गंगावरम बंदरगाह में 5 MMTPA का लगाया जाना प्रस्तावित हुआ है। देखिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? ड्रेजिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1976 ड्रेजिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया का स्थापना 1976 में हुआ था, ठीक ना। सामरिक दृष्टि से यह जो है देश के पूर्वी तट विशाखापट्टनम में स्थित है। इनके प्रमुख कार्य में बड़े एवं छोटे बंदरगाह, नौसेना, मत्स्य बंदरगाहों का निर्माण और अन्य समुद्री संगठनों के लिए समुद्र में खुदाई का कार्य करना है। बताइए इन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? नौसेना, मत्स्य बंदरगाहों का निर्माण और समुद्र में खुदाई का कार्य करना। बताइए
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य मत्स्य बंदरगाहों का निर्माण और समुद्र में खुदाई का काम करना। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1976 में। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? नौसेना मत्स्य का खोज करना और नौसेना मत्स्य और बंदरगाहों का निर्माण करना और समुद्री में जो खोज करना। ठीक है, हो गया। भारत में नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है। भारत में नारवा पहाड़ खान जो झारखंड में स्थित क्या है? यूरेनियम की खान है। ठीक है, जिसका संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मौन क्या है? मौन नागालैंड का एक जिला है। मौन के सांग्यू गांव में नगाओं में सबसे अच्छी लकड़ी के वास्तुकार मिलते हैं। गुवाहाटी के समीप असम में स्थित नलबारी जिला बाँस पर आधारित पारंपरिक वस्तु के निर्माण के लिए विख्यात है। इसके अतिरिक्त यहाँ की संचल रंगशाला प्रारंभ भी प्रसिद्ध है। भारत में डायमंड पार्क और औद्योगिक केंद्र है। भारत में डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरा जवाहरों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब भारत में डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरा जवाहरों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश का देश में कांच उद्योग में प्रमुख स्थान है। कांच उद्योग में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। हाँ, पूछता ही है बहुत ज्यादा। भारत के कांच केंद्रों में बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनपुर, वाराणसी, सनसनी आदि प्रमुख है। कांच भारत मतलब कि प्रदेश के ये जो है ना उद्योग, मतलब कांच उद्योग में किसका सबसे ज्यादा आती है? उत्तर प्रदेश में। जो केंद्र इसका है ना, इसका जो केंद्र है बगजोई है, नैनी है, फिरोजाबाद है, गाजियाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, मक्खनपुर है, हिरनपुर है, वाराणसी है, सांसनी है। ठीक ना, ये मुख्य केंद्र हुआ उत्तर प्रदेश का। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने के लिए विश्व विख्यात है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने के लिए विश्व विख्यात है। फिरोजाबाद बताइए एक, देखिए आप जो इनका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, ये मिलान करने के लिए दिया हुआ, खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय दिया हुआ। बताइए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? खनिज बोले ना निगम, हैदराबाद में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? खनिज नागपुर में। और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। प्राकृतिक गैस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? यहाँ लगाया गया, पानीपत में। पानीपत में लगाया गया। बताइए, एक बगल दिया मिलान करने के लिए केंद्र, एक बगल दिया उद्योग। बताइए काकीनाडा किसके लिए उद्योग प्रसिद्ध है? जूट के लिए। और विरुधु नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र। और चन्ना पटना किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम। और भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन। बताइए एक बगल मिलान करने वाला, मतलब मिलान करने वाला, एक बगल सूची वन, एक बगल सूची टू। भारतीय इंजीनियर उद्योग कहाँ है? बताइए रांची में। और मशीन औजार? पिंजोर। पिंजोर, पिंजोर। एल्युमिनियम के लिए रेणुकूट। और उर्वरक के लिए सिंदरी। ठीक है, अच्छा बताइए ये भी मिलान करने के लिए दिया, इसमें खाली मिलान करने वाला है क्वेश्चन। बताइए तो इसमें बोलता है मौन, एक बगल हस्तशिल्प केंद्र दिया है, एक बगल राज दिया है। बताइए मौन हस्तशिल्प केंद्र किस राज्य में है? मौन हो गया आपको यहाँ पे नागालैंड। नागालैंड में है। और नलबारी किस राज्य में है? नलबारी हो गया असम में। असम में हो गया। अब पासी घाट हस्तशिल्प केंद्र? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। पासी घाट तुरा हो गया और अरुणाचल प्रदेश में। तुरा मेघालय में। तुरा ये हस्तशिल्प केंद्र हुआ, ठीक ना। और ये कहाँ है? मेघालय में। बताइए निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है? बताइए जूट, सूती वस्त्र, चाय और चीनी। सबसे ज्यादा पुराना सूती वस्त्र। सूती वस्त्र 1818। अठारह सौ अठारह। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। बताइए
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन लोकोमोटिव वाराणसी, ये सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली, ये सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये गलत है। तेल शोधक कार्यालय मथुरा में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ना हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में, कोटद्वार उत्तराखंड में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ सब जगह है। देखिए हाँ, तेल शोधन कार्य मथुरा में, बताइए जिनके लिए चुनार प्रसिद्ध है, बताइए चुनार किसके लिए? अभी तुरंत बताते हैं, सीमेंट उद्योग के लिए। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान दूसरा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? राजस्थान। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? जिप्सम, चूना पत्थर, राख और मटियार। चूना पत्थर मुख्य संघटक है, चूना पत्थर, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए? सीमेंट। निम्नलिखित ये जो क्वेश्चन 56 और 59 बीपीएससी में पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग होते प्रसिद्ध है? भोपाल है, कीटनाशक के लिए भोपाल है। भोपाल है, बताइए। विशाखापट्टनम जो है ना किस उद्योग के लिए? पोत निर्माण। मुड़ी, मुड़ी किस उद्योग के लिए? एल्युमिनियम के लिए। और गुड़गांव मोटर गाड़ी के लिए। और पनकी उर्वरक के लिए, पनकी सीमेंट एक बार हाँ बताइए। भारत में रबर उद्योग स्थित है कहाँ है? रबर उद्योग पंजिम में। पंजिम में रबर। अच्छा, एक बार केंद्र दिया हुआ, एक बार उद्योग दिया हुआ मिलान करने को, बताइए। रामा गुंडम केंद्र वर्तमान तेलंगाना में, यह किस उद्योग के लिए? और चित्रंजन किस उद्योग के लिए? लोकोमोटिव। और कोरबा किस उद्योग के लिए? चित्रंजन पश्चिम बंगाल, बताइए। कोरबा किस केंद्र के लिए? एल्युमिनियम के लिए। और पिपरी, पिपरी जल विद्युत के लिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? 1951 में बिहार में सिंदरी में स्थापित किया गया था। उसके बाद नहीं, नांगला पंजाब में हुआ था। सबसे पहले बिहार में हुआ सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र, उसके बाद पंजाब में हुआ 1951 में, मतलब 1951 में बिहार में था। बताइए सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। फूलपुर में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थापित है? जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात, हाँ जामनगर गुजरात, ठीक ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, बताइए? 1973 में हुआ है, ठीक ना। 24 जनवरी 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ है। बताइए एक बगल कागज का उद्योग दिया हुआ है, एक बगल उसका प्रदेश दिया हुआ है, तो बताइए इसका सही मिलान करने के बोल रहा है। अमलाई, अमलाई कागज उद्योग कहाँ है, बताइए? हाँ मध्य प्रदेश। और बल्लारपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। ब्रजराजपुर कहाँ है? उड़ीसा में। ब्रजराजपुर। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बताइए 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू हुआ, कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ब्लेयर, फोर्ट ग्लास्टर में। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में प्रथम कपास मिली का स्थापना किस शहर में हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। एक बगल उद्योग दिया हुआ, एक बगल केंद्र दिया, बताइए। रेशम वस्त्र मैसूर में, मैसूर कर्नाटक। पेट्रो रसायन जवाहर नगर बड़ोदरा। पेट्रो रसायन जो जवाहर नगर बड़ोदरा में है, और रेशम वस्त्र मैसूर में है, और उर्वरक जो है तलचर, उर्वरक तलचर उड़ीसा में। औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड में। बहुत सारा क्वेश्चन है, बताइए। फिर दिया सूची वन और सूची टू को मिलान करने के लिए, बताइए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में। और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये रांची में है। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में। फिर मिलान करने के लिए स्थल और राज्य, कोयाली गुजरात में, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में, और मनाली कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है।
देखिए एक बगल दिया हुआ सूची व्यक्ति का, एक बगल दिया संगठन, बताइए डॉक्टर नलीम सिंघम, नलीम सिंघम किस संगठन का मतलब कि हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का स्थापना मतलब कि डॉक्टर नलीन सिंह, हाँ, भार्गव किस उद्योग संगठन का, मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, अमित बनर्जी हो गया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से संबंधित है, ठीक है, अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अच्छा ये बताइए उच्च अधिकारी और संस्थान, गुरदीप सिंह किसका उच्च अधिकारी था, एनटीपीसी टीसीएस का, रिशाद प्रेम जी विप्रो टेक्नोलॉजी के था, रिशाद जो है प्रेम जी विप्रो टेक्नोलॉजी से था, गुरदीप सिंह एनटीपीसी अभी भी है, टीसीएस एक बदला नहीं है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बताइए, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लुधियाना, अभी बताए थे लुधियाना को औद्योगिक राजधानी बोला जाता है, पंजाब को आप थोड़ा सा एनर्जी लाइए शरीर में, पूरा एनर्जी है, अच्छा से बैठिए। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ताप शक्ति, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता ताप शक्ति, एक बगल कागज उद्योग दिया हुआ, एक बगल मतलब स्थान दिया हुआ, बताइए कागज के लिए कौन स्थान है, टीटागढ़ स्थान, सीमेंट के लिए लखेरी, लोहा और इस्पात के लिए भिलाई, खनिज तेल शोधन अम्बाला मुकुल, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कोलकाता हुगली क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कोलकाता हुगली क्षेत्र, टीटागढ़ ये तो सही है, छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी ये भी सही है, मतलब ये गलत है, छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी ये गलत है, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी ये गलत है, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच ये सही है, ये गलत की इसमें पूछता है कौन गलत नहीं है, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी ये गलत है, शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है बल्कि बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है, शिवकाशी किस में आता है, बेंगलुरु और तमिलनाडु क्षेत्र में आता है शिवकाशी, ठीक ना। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है बताइए, अभी तुरंत बताएं, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में, शिवकाशी किस में आता है, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पीतमपुरा को किसके लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है। जे एस एम डी सी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, टुपुदाना जे एस एम डी सी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिसी उद्योग अवस्थित है टुपुदाना रांची में, बताइए नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से, अखबारी कागज से, कागज वहाँ सबसे ज्यादा, हाँ नेपा नगर में, नेपा नगर है कहाँ, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, बुरहानपुर जिला है नेपा नगर। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं नेप्ता जिप्सम सल्फर कास्टिक सोडा नहीं, उर्वरक के लिए कास्टिक सोडा नहीं है। अब देखिए भारत का अनुसंधान केंद्र पढ़ते हैं, ठीक ना, भारत का अनुसंधान, देखिए भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिन्हा परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, यह जन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 का स्थापित किया गया था, महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वर्ष 1962 में स्थापित किया, बताइए महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कब स्थापित हुआ, 1962 में स्थापित हुआ है, ठीक है। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी घासों का पाया जाना था, तत्पश्चात वर्ष 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंपा गया, जलवायु तथा कृषि की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देश के अन्य भागों में इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए जो कि अवी का नगर
राजस्थान, धारवार कर्नाटक और पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बताइए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अभिकानगर, ये तो लखनऊ में होगा, धारवाड़ कर्नाटक में है। हाँ, पालमपुर हिमाचल। बताइए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अभिकानगर लखनऊ में ना हो गया, लखनऊ में है। क्या कहाँ ध्यान रहे आपका, कहे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हम पूछे ना, लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, 1952 में स्थापना किया गया थी। हाँ, इस तरह से रहिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। हाँ, यह पशु क्लोनिंग तकनीकी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी, वाराणसी जिले में है। ये सब पूछता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी जिला में है, उत्तर प्रदेश। केंद्र चावल शोध संस्थान यही हो गया, कटक, कटक उड़ीसा में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। भारतीय दुग्ध विकास परिषद ये गुजरात में हो गया, गुजरात, आनंद गुजरात में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी स्थापना संस्थान लखनऊ में। हाँ, केंद्रीय आम अनुसंधान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, अच्छा लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। देखिए इसका पूर्व नाम जो था ना, अब जो बोले ना केंद्र, अरे उसका पूर्व नाम छोड़ दीजिए, पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। हाँ, हाँ सही, वेरी गुड, आप पकड़ रहे हैं बात को। पौधे संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद, मतलब पौधा का संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। इसके 9 क्षेत्रीय केंद्र है, जैसे कि बेंगलोर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, पंचकुला हो गया, गांधीनगर हो गया, गुजरात हो गया, पटना हो गया, गाजियाबाद हुआ, पटना हुआ, गुजरात, इम्फाल हुआ, गांधीनगर, गाजियाबाद, पटना, इम्फाल, जबलपुर में और नागपुर में। केंद्रीय जैविक खेती केंद्र का मैंने कहा जाए सर, केंद्रीय जैविक खेती केंद्र का मतलब कि कहाँ इसका स्थित क्षेत्रीय, इसका केंद्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है बताइए? तो हो गया आपका सीधे गाजियाबाद, और इसमें 9 केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र है, बेंगलोर, भुवनेश्वर, पंचकुला, गांधीनगर, गाजियाबाद, पटना, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर। कहने का मतलब है कि NCOF का जो है ना 9 वो और केंद्र है। हाँ, जो कहाँ कहाँ है इसकी चर्चा सुनिए आप लोग, कहाँ कहाँ है। पहला हो गया आपका कहाँ पे? पहला देखिए हो गया बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पंचकुला, गांधीनगर, गाजियाबाद, पटना, इम्फाल और जबलपुर, नागपुर। बस केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान, सूक्ष्म बागवानी संस्थान देखा राजस्थान के बीकानेर जिला में, बीकानेर जिला में स्थित है, बीचवाल नामक स्थान पे स्थित है। देखना बीचवाल नामक स्थान, बीचवाल। बताइए इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिन ट्रॉपिक्स जो है ना, गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिन ट्रॉपिक्स जो है ना, गैर लाभकारी गैर सरकारी मतलब गैर राजनीतिक संगठन है, जो एशिया तथा सब सहारा अफ्रीका के विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। ICRI SAT का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित। ICRI SAT का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान केंद्र ये हो गया आपको यहाँ पे हैदराबाद के तेलंगाना में है। देखिए केंद्रीय खेती अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में है स्थित। राष्ट्रीय एटलस संस्थान, एटलस संस्थान जयपुर में। राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना कब हुआ बताइए? 18 अगस्त 1965 को हुई थी। राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना 18 अगस्त 1956। राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना 18 अगस्त 1956 को हुई थी। 1956 होगा। प्रोफेसर HP चटर्जी इसके संस्थापक निदेशक थे। वर्ष 1978 में इसका नाम राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कर दिया गया। यह भारत के विज्ञान के अधीन कार्य करता है, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है, ठीक ना। इसका मुख्यालय साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्र नेचुरल हिस्ट्री
संग्रहालय का स्थापना देश के कई भागों में की गई, जैसे दक्षिणी क्षेत्र संग्रहालय मैसूर, मध्य क्षेत्र संग्रहालय भोपाल, पूर्वी क्षेत्र संग्रहालय भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्र संग्रहालय सवाई माधोपुर इसमें स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम स्थायी स्टेशन दक्षिण गंगोत्री का स्थापना वर्ष है 1983-84 में। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम स्थायी स्टेशन कौन था? दक्षिण गंगोत्री थी, जिसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। बताइए अंटार्कटिका में भारत के प्रथम स्थायी स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, और इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई। अंटार्कटिका में भारत के द्वितीय स्टेशन मैत्री का स्थापना कब हुआ था? 1988-89। देखिए पहला था दक्षिण गंगोत्री और दूसरा था मैत्री, ठीक है। मैत्री का स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लेश, ये जो है ना गंगोत्री और मैत्री पूछता है, मैत्री जो है ना, मैत्री का स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु की गई थी। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारतीय है। बताइए पहला शोध अंटार्कटिका में कौन है? पहला गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती, ठीक ना। और स्थापना भारती का स्थापना 2012 में हुआ था। भारती आई 2012 में, और दक्षिणी गंगोत्री आई 1983-84 में, और मैत्री आई 1988-89 में। बताइए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है? बताइए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है? मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 को पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। बताइए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्थापना 1976 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ? 1976 को, मतलब वही 15 फरवरी 1976 को किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा, और मध्य प्रदेश भोपाल में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बताइए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश कब इसका स्थापना हुआ? पंद्रह फरवरी 1976 को। हंसते क्यों? नहीं मिस्टेक, याद नहीं था। नहीं याद है तो याद कीजिए। 15 फरवरी, आपका ध्यान इधर ही नहीं, याद कैसे हो? ध्यान कहीं और चल गया था। हाँ तो जाइए तब। चलिए बताइए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्थापना कब हुई है? 15 फरवरी 1976 को हुई थी, और भोपाल जो है ये पूछेगा कौन पंचवर्षीय योजना भोपाल में स्थित है? पांच बार इसको बोल चुके हैं, आपका ध्यान नहीं है। 76 में है ना? हाँ 76। बताइए इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय? इंडियन ब्यूरो साइंस का नागपुर में, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस माइंस लिखा है इसमें, लेकिन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में, नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर मार्च 1948 को हुई थी, ठीक ना। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का स्थापना 1948 को हुई थी, 1 मार्च 1948। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 4 आंचलिक और 13 क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक ना। चार आंचलिक कार्यालय जैसे कि नागपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बेंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक ना। नागपुर, उदयपुर, बेंगलोर, कलकत्ता, चार आंचलिक कार्यालय, ठीक ना। नागपुर हो गया केंद्रीय हो गया, उदयपुर जो हो गया उत्तरी हो गया, बेंगलुरु जो हो गया दक्षिण हो गया, कोलकाता हो गया पूर्वी, मतलब चार आंचलिक कार्यालय है। किसका? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, और इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को। राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन के सिफारिश के आधार 1 मार्च 1948 को, 1 मार्च 1948। ठीक है अब इतना पढ़ लिया, अब जो है देखिए इसका भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र क्या है? भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय, मतलब भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र। अब जो है ना पूरा मतलब की एक चार्ट वाइज है उसको पढ़ते हैं, और देखिए सबसे पहला है भारत कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय। बताइए पहला नंबर में भारत कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, हरियाणा। और भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर। बताइए केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में। बताइए भारत कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, और भारत डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में, और केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में। अब देखिए संस्थान का नाम, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में।
केंद्र पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश, केंद्रीय अंत स्थलीय मातिस्की अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल बैरकपुर में, केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, भैंस हिसार हरियाणा, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान भोपाल में है ना, भोपाल में बताइए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का स्थापना कहाँ हुआ था, भोपाल में 1976 में बताइए, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर में, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोची में, अगर बोलेगा केंद्र मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में, लेकिन केंद्र मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोची में, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर में, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में है, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोची में, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में, केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में, केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, चलते रहिए, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून, केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, रांची में, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में कहाँ है, रांची, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में, भारतीय बागवानी कहाँ है, बेंगलुरु में, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची में है, गोंद संस्थान कहाँ है, रांची, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में, कानपुर मृदा भोपाल में, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, मृदा कहाँ है, भोपाल में, दलहन कानपुर में, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केरल में, कालीकट केरल में होगा ठीक ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा, सब्जी अनुसंधान संस्थान तो वाराणसी अभी तो सर, सर भारतीय कृषि अनुसंधान अकादमी हैदराबाद में, कृषि कहाँ है, हैदराबाद, कृषि हैदराबाद, बताइए राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर में, भारतीय औजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र, मालेगांव महाराष्ट्र, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बंगलुरु में, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान कहाँ है, बंगलुरु में, राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में, राष्ट्रीय पशु रोग जनापदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हैबल बेंगलुरु में, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, गन्ना कोयम्बटूर में, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, अब प्रजनन पूछेगा तो प्रजनन कोयम्बटूर में, वेरी गुड, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, विवेकानंद अल्मोड़ा पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, केंद्रीय गोपसु अनुसंधान संस्थान मेरठ में, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में, उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, 2016 से लुधियाना हो गया, और 2016 से लुधियाना, पहले नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुर में, भारतीय कदनन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय तेल तार अनुसंधान संस्थान तेल में भी हैदराबाद, पश्चिमी गोदावरी पेड़ागोड़ी में, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में,
भारतीय जीव अनुसंधान संस्थान मऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग बोलेगा। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान तो मऊ में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो हजारीबाग झारखंड में, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में। पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। अब राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान पूछते, ठीक ना? देखिए भारतीय केला अनुसंधान, राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची, भारतीय केला अनुसंधान संस्थान, ये राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान था, ठीक यह है जो पढ़ रहे त्रिची में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर। अनार अनुसंधान केंद्र राष्ट्र पूछेगा कहाँ है? सोलापुर में, सोलापुर, ठीक है। राष्ट्रीय ऊट अनुसंधान संस्थान बीकानेर, हाँ। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान हिसार में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेद जी फेमा नागालैंड। राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र पेंगयांग सिक्किम। राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में। सुकर सुअर, सुकर सुकर में सुअर, पीग पीग, हाँ। सुकर अनुसंधान केंद्र मतलब पीग अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी। राष्ट्रीय बीज ये मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय समेकित नशा जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नशा जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में, ठीक ना। अब राष्ट्रीय ब्यूरो पढ़ते हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी की संसाधन ब्यूरो कहाँ है? पादप आनुवंशिकी की संसाधन ब्यूरो कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि उपयोग सूक्ष्म जीवी ब्यूरो मऊ, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु, मतलब कीट संसाधन ब्यूरो कहाँ है? बेंगलुरु में। और मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर। मृदा संरक्षण और भूमि उपयोग ब्यूरो नागपुर में। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल। पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल में। मत्स्य अनुसंसाधन ब्यूरो लखनऊ। अब निदेशालय पढ़ते, निदेशालय या परियोजना निदेशालय, ठीक है। मूंगफली अनुसंधान निषेधालय जूनागढ़। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? इंदौर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय क्या? सरसों या भरतपुर, भरतपुर में। और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, हाँ, वही से ना, ठीक ना। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर। खुम्बू अनुसंधान निदेशालय सोलन। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे। काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर में। काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर में। औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आनंद गुजरात में। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे में। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में। खुर पका मुंह पका रोग पर्यावरण निदेशालय मुक्तेश्वर में। ये सब पशु होता है, खुर पका रोग पर्यावरण निदेशालय मुक्तेश्वर में। कुकुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली में। और शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल। अब देखिए ये हो गया निदेशालय, हो गया पढ़ते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाएं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बताइए। प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल। प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान भोपाल, पहली बार नाम सुने, हाँ। तो पहली बार तो पढ़िएगा, पहली बार सुनेगा, पहली बार आप सुने थे सर पहले नहीं। केंद्र भवन अनुसंधान संस्थान रूडम सुने थे, रुड़की। कोश की एवं वानिकी जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। CSIR का एक अथी भी आता है, CSIR का एक एग्जाम भी होता है, वही, हाँ, CSIR होता है ना, इसमें आता है सेंट्रल सेक्रेटरी कुछ होता है इसी तरह। देखिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है, बताइए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कारकेरू कारेकुड़ी तमिलनाडु में। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान
केंद्र इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान पिलानी गुजरात में, अच्छी सॉरी राजस्थान में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। केंद्रीय औषधि एवं संगम सगंध पौधे संस्थान का है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई। चर्म अनुसंधान संस्थान का है चमड़ा वाला जो है चेन्नई में। चमड़ा चेन्नई। केंद्रीय यांत्रिक अभियंत्री अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान चंडीगढ़। वैज्ञानिक उपकरण संस्थान बोलेगा चंडीगढ़ में। चौथा पेराडाइम संस्थान बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में। जीनी जीमोनी क्या जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली में। हिमालय जैव संपदा प्राधिकी संस्थान पालमपुर में। भारत रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में। भारत रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान पूछेगा तो कोलकाता में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। भारतीय समवेत और औषध संस्थान जम्मू कश्मीर। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है चंडीगढ़ में। खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय यांत्रिक प्रयोगशाला बेंगलोर में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है पुणे में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है हैदराबाद में। राष्ट्रीय अंतर्विश्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में। समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है गोवा में। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान कहाँ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान कहाँ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ है जमशेदपुर में। धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है नई दिल्ली में। उत्तर पूर्वी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट में। संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र चेन्नई में। तो इस तरह से हम पूरा अनुसंधान केंद्र पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये थोड़ा इससे क्वेश्चन पूछ देता है ठीक है। देखिए 1988 में अंटार्कटिक महाद्वीप भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया। इस शोध केंद्र का मुख्य कार्य बताइए। मुख्य कार्य यह है कि यह समुद्री जैव शास्त्र है। अंटार्कटिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान केंद्र राष्ट्र केंद्र के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मैत्री का स्थापना जीव विज्ञान पृथ्वी विज्ञान ग्लेशियोलॉजी वातावरण विज्ञान मौसम विज्ञान शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग संचार मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु की गई है। और इसमें ऑप्शन में दिया समुद्र जैव शास्त्र ये सही है। और ये सब जितना भी पढ़े जीव विज्ञान पृथ्वी विज्ञान गैसोलॉजी वातावरण विज्ञान ये सब होता है ठीक ना। अंटार्कटिका में तीसरा भारत शोध केंद्र का स्थापना क्या किस नाम से रखा गया भारती 2012 में। दक्षिण गंगोत्री क्या है दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिक के निकट हिंद महासागर क्या है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है ठीक है। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है बताइए। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हैदराबाद वह स्थान जहां केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है हैदराबाद में। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैदराबाद में। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ है बीकानेर में। सूक्ष्म बागवानी बीकानेर में। कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। इसका क्वेश्चन ये सब है ये सब सारा जो क्वेश्चन है विगत एक एग्जाम में पूछा हुआ कहीं एमपीपीसीएस में यूपीपीसीएस में बीपीएससी में ये सब में पूछा हुआ है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है बताइए मैसूर में। मैसूर सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ पे सस्य वानिकी झांसी में। सस्य वानिकी कहाँ अच्छा बताइए कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है कृषि वानिकी होगी आपको झांसी में बताइए। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग
द्वारा क्या जा रहा है जो स्थित है पंत नगर में, भोपाल में, नई दिल्ली में, रांची, बताइए कहाँ है? भोपाल में। भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ है? चावल कटक में, उड़ीसा में। उड़ीसा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? हरियाणा में, करनाल, करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? करनाल में। बताइए भारत दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपको दलहन हो गया, दलहन कानपुर, दलहन कहाँ है? कानपुर। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? साग सब्जी के लिए जो वाराणसी, ठीक न। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में, जो कि आम वाला जो पड़े थे, उपोष्ण लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय, अभी तुरंत पढ़े बताइए, नागपुर में। माइंस का मुख्यालय नागपुर, इंडियन ब्यूरो माइंस का मुख्यालय नागपुर में। हवा चल रहा है, हिल रहा है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित खनन हो गया आपको यहाँ धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? हीरा संस्थान हो गया सूरत में। सूरत में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, ये आनंद गुजरात। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। चारा अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो झांसी होगा, झांसी के लोग घास और चारा। भारत में बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित? बागवानी का विश्वविद्यालय झांसी में, सोलन, सोलन हिमाचल प्रदेश में। बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत में सोलन हिमाचल प्रदेश में। अच्छा भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ है? कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? पुणे में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गन्ना लखनऊ में। भारतीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन बताइए, कोलकाता में। भारतीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। ये भी पूछेगा भारतीय एटलस और थीमेटिक जो है ना किसके अधीन कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है, ठीक ना। इसका मुख्य साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रह नहीं है? मैसूर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल। हैदराबाद नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में नहीं है, बाकी सब में मैसूर में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल। देखिए दक्षिण क्षेत्र मैसूर में है, मध्य क्षेत्र भोपाल में है, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर में, पश्चिमी क्षेत्र सवाई माधोपुर। पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद में। अच्छा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये तो सही है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये गलत है, ये लखनऊ होगा, यही गलत है। उसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ठीक है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर है? गुरुग्राम में। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में अवस्थित है। भारतीय भाषाओं का केंद्र संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? मैसूर में हो गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्र कहाँ स्थित है? बकरियों पर शोध का केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है बताएं? मखदुम मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्र बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1979 में की गई थी, ये उसमें नहीं पढ़े थे, छोड़ दिए थे, नहीं उसमें था ही नहीं। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना बताइए? केंद्र ये 1974 में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था बताइए? कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था, पांडिचेरी में। पांडिचेरी में, पांडिचेरी में बताइए, फिर से आपको समय दे रहे हैं। और पांडिचेरी में, पांडिचेरी में नहीं हुआ था बताइए? चाहिए सर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर भोपाल में हुआ था। भोपाल में हुआ था, क्या पूछे कुछ है? सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ये आपका हो गया प्रयागराज में। कहाँ हो गया? प्रयागराज। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत को निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? प्रयागराज में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास प्रयागराज। अच्छा ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना बताइए? अंतर्राष्ट्रीय वानिकी नैरोबी कन्या मही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। केंद्रीय शक्य
मतलब केंद्र सस्य वानकी अनुसंधान संस्थान कहाँ? झांसी में, लेकिन यहाँ बांदा दे दिया, ये गलत हुआ, यही पूछता है इसमें क्वेश्चन में, गलत कौन है? तो केंद्र सस्य वानकी अनुसंधान कहाँ है? झांसी में है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इस तरह से हम सब लोग पूरा भारत के अनुसंधान केंद्र पढ़ लिए, जो कि सभी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, इसलिए हम सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम सब लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगर आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जो कमियाँ रहती है उसको आप लोग कमेंट कर रिप्लाई करें, जिससे हम लोग उस कमियाँ को कमी को दूर करेंगे कि इसमें कमी क्या रह गई है, सुधारने का काम करें। जय हिंद, जय।